सेट सेट नहीं कर रहे हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हमारे चैनल पे पेट्स रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं और एक एनिमल न्यूज सीरीज भी चलाते हैं। थॉर कहाँ पे आया? थॉर को मैं सुबह सुबह ये अपने टेरेस पे लेके आता हूँ, क्योंकि अभी ये छोटा बच्चा है ना, ऐसे वेटनरी भी रिकमेंड करते हैं कि 3 महीने से पहले आप अपने डॉग को घर से बाहर मत लेके जाओ, क्योंकि इसकी प्रॉपर पूरी वैक्सीन नहीं होती ना तब तक। और अब 3 महीने तक इसकी पूरी वैक्सीन हो जाएगी, फिर इसको वॉक पे लेके जाया करेंगे, इसलिए तब तक ये ऊपर टेरेस पे ही खेलता है। वैसे मेरे घर में पीछे लॉन भी है, मैं देखो आपको दिखाता हूँ, पर वहाँ मैं प्रेफर नहीं करता इसको लेके जाना। आ जाओ थॉर, ये देखो थॉर मेरे साथ ही खेलता रहता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव बच्चा है ये जैसे मेरे घर के पीछे लॉन भी है ये रहा, पर मैं प्रेफर नहीं करता क्योंकि अभी मेरे घर में कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था, तो जैसे पीछे सामान पड़ा है आप देख रहे हो, ये टंकियाँ वगैरह, जब एक बार ये सारी उठ जाएगी तो पीछे भी मैंने सोच रखा है, इधर पीछे पोंड वगैरह बनवाऊंगा मैं, फिश पोंड बनाएंगे। जिसको वो वीडियो देखनी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि फिश पोंड भी देखना चाहते हो क्या आप, नहीं तो। और ये रहा थॉर, थॉर आ जा, आ बेटे थोर, आजा, 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 आजा। थोर, हाय कर दे सबको। थोर, कैसा लगा थोर आपको? ओ, ये आंखें साफ कर, ये सुबह सुबह, अभी बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है इसलिए। ओए, नहीं। और कई लोग ये भी कहते हैं, जैसे इसके वाइट मार्क है थोड़ा सा छोटा सा, तो कई है जिन लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है रॉटवाइलर्स की, वो यूँ कहते हैं कि ये अनप्योर ब्रीड की निशानी है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। जो बढ़िया जो ब्रीडर है, जेन्युइन ब्रीडर है, उनको पता है कि हल्के फुल्के मार्क्स आ जाते हैं। और अभी ये छोटा है, अभी तो ये 2 महीने का ही है, और जैसे इसके ये जो बड़ी होगी तो इसके सारे बाल ना वापस आएंगे, सारा कोट नया आएगा अभी, तो मे बी तब ये बाल उतर जाए इसके, और अगर रहे भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई रॉटवाइलर्स में होता है छोटे छोटे मार्क्स होते हैं, 1-2 मार्क्स होते हैं, नहीं तो और ना ही, तो इससे यूँ नहीं है कि ये रॉटवाइलर प्योर नहीं है या इसमें कमी है, ये एक नेचुरल है, कोई बड़ी बात नहीं होती, हल्का फुल्का स्पॉट सा होता है वाइट। थॉर, थॉर, ये देख, और कंटिन्यू करूंगा मैं अब थोड़ी देर बाद व्लॉग आगे, थैंक यू वेरी मच। थॉर, ये थॉर की मॉर्निंग रूटीन है, अभी यहाँ पे सुसु करता है, ये कर रखा, और ये पोटी करता है, पोटी जैसे ये करता है ना, तो मैं जब ये करता है तो मैं उसके नीचे अखबार लगा देता हूँ न्यूज़पेपर, तो ये करता है तो फिर वो न्यूज़पेपर में ये हो जाती है, और फिर मैं न्यूज़पेपर को रोल करके डस्टबिन में डाल देता हूँ, तो इस तरह से फिर ये टेरेस भी साफ रहता है और थोर भी खुश रहता है, मम्मी भी खुश रहती है कि सफाई रहती है, तो बस इस बात से सारे खुश रहते हैं। थोर, थोर से गुड बॉय। तो थोर अभी ऊपर घूमा है, अब इसकी मॉर्निंग डाइट का टाइम हो चुका है, अब इसको फीड देंगे हम, रुक जा बेटे। तो अगर आपने इसकी पूरे दिन की डाइट देखनी है कि मैं इसको क्या-क्या देता हूँ, किस किस टाइम देता हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं एक पूरी वीडियो इस चीज के ऊपर डेडिकेटेड बनाऊंगा, कितने टाइम पे क्या क्या चीज इसको देता हूँ मैं। अब इसकी मॉर्निंग डाइट बता देते हैं क्या है, तो मैं इसको रॉयल कैनिन पपी स्टार्टर देता हूँ। ये क्यों देता हूँ, एक तो ये बहुत अच्छा है, दूसरी बात जो सुमित है जिससे मैं लेके आया था वो भी इसको यही डाइट दे रहा था। ज्यादातर जो न्यू बिगनर्स होते हैं वो क्या उनसे क्या गलती हो जाती है, और उनसे भी क्या गलती होती है, जो कई बार ब्रीडर्स होते हैं ना वो भी गलत काम कर देते हैं, क्या करते हैं कि जब छोटा बच्चा है इसको जो पहले फीड जिस चीज पे डाल रहा है ना, जो फीड दिया है,
तो हमें वो ही कंटिन्यू करना चाहिए जब भी छोटा है, 3 महीने तक तो वो ही दे, 3-4 महीने तक। क्यों? क्योंकि अगर जैसे कोई पेडिग्री इसको दे रहा है, अगर सुमित इसको पेडिग्री देता तो मेरे को भी इसको पेडिग्री देना पड़ता, क्योंकि इसकी डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी वजह से इसके अंदर लूज मोशन वगैरह, जो वोमिटिंग वगैरह होती है, पेट की दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखें। कई बार ब्रीडर भी नहीं बताते, वो देते पेडिग्री है और कह देते हैं हमारा रॉयल गेम देते थे हम, तो इस चीज का ज्यादा ध्यान दें। मैं बताता हूँ कैसे इसको क्या करते हैं। तो अब इसकी डाइट बनाते हैं सुबह की। ये रॉयल गेम में इसको मैं आप एक छोटा कप होता है ना, टी कप होता है, उसको लेके उसको भर के और इसके अंदर मैं इसमें डालता हूँ, इसमें डाल देता हूँ और फिर बॉइलिंग वाटर डाल देता हूँ इसके अंदर कि वो सबमर्ज हो जाए। तो 5-10 मिनट छोड़ दो तो फिर वो ऐसे हो जाते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको, एक डाल दिखाना, ऐसे हो जाते हैं। चलिए उसके बाद फिर मैं इसको 2 eggs जो है, तो फिर जो एग्स है इनको बॉइल कर लेते हैं। मैं इसको सुबह 2 egg देता हूँ अब। और उसके साथ ये है, ये लीवर टॉनिक है, ये इसकी कौन, ये इसकी मल्टीविटामिन है और ये इसकी कैल्शियम है। तो ये तीनों चीज मैं इसमें डालता हूँ। एक थोड़ा पीछे होता है, डालना देख लेता हूँ, तो मैं आपको इसको डाल के दिखा देता हूँ, फिर इसको देंगे। अभी आपका ही खाना है, कौन है, कौन है आपका वही। तो ये एक एम एल मैं अभी इसको इस टाइम डाल के देता हूँ। ये कैल्शियम है, इसलिए कैल्शियम जरूरी होते हैं छोटे बच्चों के लिए, बहुत ही बहुत अच्छी होती है कैल्शियम। ये इसकी लिवर टॉनिक है, लिवर टॉनिक इसको डाइजेशन में हेल्प करेगा और अच्छी तरीके से लिवर की ग्रोथ करेगा। और वेट कर ले, बस ये आपका ही बढ़ रहा है, मेरा तो है नहीं। इससे ना डॉग की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। आप देखना, आपने ब्लॉग्स को डिमांड करें कि डेली ब्लॉग्स आए इसके, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके डेली ब्लॉग्स आए, नहीं एक दिन छोड़ के तो पक्का आए आएंगे। आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताते रहना कि आप किस चीज के ऊपर वीडियो चाहते हैं, ताकि मुझे आइडिया आए और मैं आपकी डिमांड पे जो आपको पसंद है ना मैं वो ही बना। एक और बात, जैसे आप अपने डॉग को बचपन से आदत डालोगे कि अगर ऐसे इसको खाना में ऐसे हाथ डालते रहो ना और इसको मतलब कलेक्ट करके देते रहो, तो इसको आदत हो जाएगी कि हाँ भाई मैं इसमें हाथ डाल सकता हूँ। भी आपने कई बार देखे होंगे जो कई डॉग्स होते हैं, आप उसके खाना देते हो और उसके बाद उसके पास भी नहीं जा सकते, वो इतने एग्रेसिव हो जाते हैं, तो वो इस वजह से हो जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखो, आप इसको पता होना चाहिए भाई कि कौन इसका ओनर है और घर में लीडर एक ही होता है, और ये जो ब्रीड है ना ये अपने आप को लीडर बनाना चाहती है, और अगर ये अपने आप को लीडर बना लेगी ना तो फिर बात खराब हो जाती है। इसलिए डॉग खराब होते हैं, जो कहते हैं ना कि हमारा डॉग हमें काटने लग रहा है, ओनर को काट रहा है, वो इसलिए काटता है। वो डॉग की गलती नहीं होती, वो ओनर की गलती होती है कि वो उसको किस तरीके से गाइड करते, किस तरीके से ट्रीट करता है। तो सब चीज अपने आप में ही होती है, कैसे उसको खिलाओ। ये तो वैसे फिनिश भी कर दी है, और बैठे रुके रुके। और एक और बात, आप दो को ना कभी भी नीचे रख के मत दो, तो ये ज्यादा नीचे झुकेगा इसलिए अच्छा नहीं होता। इसकी मतलब इसके हेड के साइज में बराबर इसको पकड़ा करो आप इसके खाने वगैरह को, और मेरी
एक राय यही है कि ज्यादातर आप इसको हाथ में ले के खिलाओ तो इसको अच्छा लगता है और ये आदत भी रहेगी। तो ये दो तीन चीजों का ध्यान रखोगे ना तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके ग्रोथ का। तो इसी के साथ हमारे ग्रोथ की एंडिंग होती है। अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज मिली हो या अगर आपको थोड़ी भी एंजॉयमेंट हुई थोड़ी भी, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे ना तो और जो एनिमल लवर दोस्त है और जिनको जरूर टाइम गाइडेंस की तो उनके पास पहुंचाओगे तो अच्छी बात है, अपना चैनल ग्रोथ करेगा और उनका भी फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।